वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी आई हूँ मैं स्कूल से और 3:15 हो रहे हैं और मम्मी दे रही है मुझको लंच। नहीं, मुझको ही क्या, सबको ही दे रही है। तो आज बनाया है काली दाल रोटी चावल। तो आप देती रहना ना बाद में। और कल है हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन, तो बहुत ही ज़्यादा हम मेहनत करके आए हैं। अभी तो एक आधा ही बना है वो। नहीं, आज वो फ़ोटो भी नहीं खींची, आज कुछ भी नहीं हुआ, आज हमने मेहनत करी है। ये देखो, ये मेरा मौलिक अधिकार का ये मेरा ये पोस्टर अभी इनकम्प्लीट है। अभी ये जैसे पीछे पीछे वाइट वाइट है ना, वो अधूरा अधूरा लग रहा है, जिसे मैं कलर करके अच्छा सा दिखाऊँगी। और 2-3-4 टोर बनाने हैं तो वो भी लेके जाऊंगी। क्लास एकदम सुंदर सी डेकोरेट होनी चाहिए हमारी। कल जाना, और कल वेनसडे है, वाइट ड्रेस नहीं पहननी। और अगर चुन्नी ले आए तो वाइट ड्रेस नहीं पहननी। हाँ, तो ब्लू ड्रेस ही पहननी है हमने। दे बेटा, दे दो कान्हा जी। तो ये है उनकी और मैं जा रही हूँ भोग लगाने। तो ये बन चुका है, मम्मी क्या स्टाइल से चम्मच रखी है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी पापा को थोड़ा सामान लाने के लिए भेजा था, तो सामान भी लेकर आए हैं और साथ ही लेके आए हैं भल्ले पापड़ी। खोलो। Wait. No. Wow. That's it. No. That's it. नहीं, मम्मा चाट है। चाट है। तभी दूध उबल रहा है। खाइएगा। ये खाएंगे। Yummy. वो चने आ गए हैं। Yummy. हाँ, तो आज हमने मंगाया, अभी बना लेंगे। इसके कोफ्ते खाने हैं क्या? खाने कोफ्ता ता, एक रख भी लेना, और घी चने की दाल भी खानी है मुझे। दाल चावल दे दो पहले भैया। बल्ला पापड़ी, बल्ले पापड़ी तुम लोग खा लो, मैं तो। तो पापा ने गोलगप्पे नहीं, अब फिर कभी खाएंगे। मैंने इसको बोला मीठी चटनी डाल दी, हरी चटनी डाल दी। पापा मिक्स है, पापा मिक्स है। खा दिए गोलगप्पे? एक प्लेट जब लाई गए थे तो एक प्लेट गोलगप्पा कल खा लेंगे। सर तुम कहते हैं क्या करते हो? हम ऐसी चीज के है चम्मच। चलो कोई नहीं, बिन मांगे मोती मिले। ये भी पापा ने देन लेने, तो बस ये और ये गए थे दूध और ले। चलिए कोई नहीं, मिला तो सही कुछ। सरप्राइज भी अच्छा है आज के पापा, बहुत सरप्राइज दे रहे हैं। कभी चॉकलेट, कभी दही बल्ले। भाई कभी कभी तो बिन बोले भी समझनी चाहिए बच्चों की बातें, तो हमें क्या खाना है। क्या चने खाऊंगी मैं तो, चने के साथ मेरे बल्ले पापड़ी भी चलते हैं। भाई मैं तो गोलगप्पे खा लिए। चने खाऊंगी मैं चने। कभी कभी गोलगप्पे भी नहीं अच्छे लगते, कभी कभी मन तो खत्म बढ़िया खाते हैं। भाई मैंने 15-20 दिन पहले खाए थे वहाँ पे फरीदाबाद में। बताओ जी फरीदाबाद। बताओ जी यार, तुमको बल्ले पापड़ी खिलानी है। पापा को भी पसंद है और हमारे को भी पसंद है। क्या कह रहे हो? अब आजकल हमारी ये वाली छुट्टी होने लगी है। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि मन था तो ले आया, पूरा सुन लिया आप। क्या है? अच्छा गुड बढ़िया, ठीक है ठीक है। मन देखा नहीं, खुश बच्ची है लड़की। ठंड में ही आता जाता हूँ इस बार, हमने बहुत जल्दी मंगा लिया। मूंगफली भी आ गई है ऋषिकेश में। सही में मूंगफली आ गई ऋषिकेश में, मगर तेरी मौसी कह रही है मैं तब खाऊंगी जब रामलीला वाले दिन आ जाएंगे। जब पापा बता देते कि हम शोल ले लेके जाएंगे। मैंने कहा चल नहीं तो मैं कभी खा लूँ। और मेरे एग्जाम्स है 10 अक्टूबर से। वेरी गुड। तो मम्मी बहुत अच्छी बात है कि दिवाली से पहले फिनिश हो जाएंगे
और दशहरे के दशहरे के बाद से खत्म हो जाएंगे। मैं झांकी तो मैं देख लूंगी फ्री होके, फ्री माइंड से। 5 दिन बाद होंगे पेपर, निकलनी चाहिए। मेला भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता जब से लॉकडाउन हुआ। नहीं तो इतना अच्छा महोत्सव होता। और हमारे 12 बजे करेक्ट 12 बजे यहाँ से झांकी आती थी, क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी। तो वहाँ पे तो खैर 8 बजे से ही आ जाती थी गांधीनगर के साइड, लेकिन जब हमारे यहाँ पे एंड होता था इधर पे झांकियों का, तो वहाँ पे आती थी 12 बजे। और फिर हम 12 बजे यही जगह होते थे, कुछ ऐसी आवाज़ आई हो झांकी वाली आ गई, तो फिर हम भगते थे, चलो चलो मम्मी झांकी देखने जाना। तो हमेशा हमारा बिग बॉस आ रहा होता था। पर मम्मी, मेरी मम्मी बिग बॉस की इतनी बड़ी फैन है कि ये छोड़ती नहीं थी बिग बॉस, फिर कल अगले दिन का देखती थी बिग बॉस। आई लव दिस। अब सही है, हम पोस्ट करके देखा करेंगे। हाँ, हमारे ये स्मार्ट टीवी आ गया ना, पहले स्मार्ट नहीं था, तो हम बूट पे जाके देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6:15 भी नहीं बजे, 6:11 हो रहे हैं। और आज मम्मी उठी 5:30 बजे और पूरी घर की सफाई भी हो गई और अब पूजा कर रही हैं, क्योंकि आज मेरे को और मम्मी को जाना है स्कूल, क्योंकि आज है मम्मी की एक TSMC मीटिंग और हमारे स्कूल में आ रहे मनीष सिसोदिया जी, तो मम्मी भी आएंगी मेरे साथ ही आएंगी। तो सुबह सुबह जाना है और आज जल्दी जाना है, 7:30 बजे तक हमें स्कूल में पहुंचना है। और मैं जा रही हूँ बैग लगाने, फिर जाऊंगी मैं नहाने, फिर तैयार होके फिर मिलती हूँ। जब तक मम्मी लंच बना लेंगी फिर निकलेंगे साथ। और यहाँ तक कि अभी मून भी नहीं गया है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ में, तो फिर भी रोशनी ज़्यादा दिख रही है लेकिन हल्की हल्की है। और आई थिंक सूरज भी निकल गया है क्योंकि यहाँ पे रोशनी आ रही है, शायद से निकल गया है। तो मैं सीधा छत पे आ गई क्योंकि मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और करेक्ट अभी अभी सनराइज हो रहा है, तो अभी मैं दिखाती हूँ। और हवा चल रही है बहुत बढ़िया, मौसम हो रहा है। मम्मी के जा ऊपर होया, तो फिर मैं बोए क्योंकि मम्मी अभी आ रही है जल चढ़ाने। तो देखो अभी एकदम थोड़ा थोड़ा सा सन आया है, ये देखो अभी दिख रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा छुप गया है, अभी दोबारा उगेगा फिर दिखाती हूँ। तो मम्मी ऐसे करके यहाँ पे चढ़ा रही है, चल आ गया सूरज, ये देखो। जब मैं नहा के जल चढ़ाऊंगी तब तक तो पूरा आ गया, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये देखो मम्मी ने जल चढ़ा दिया तो पूरा आ गया, ये जो इतनी तेज रोशनी आ रही है ना, ये कांग्या, ये रहा ये वाला, तो ये सन है। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी एकदम इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि सब जने अपने अपने कपड़े गली में, सब जने अपने अपने कपड़े ऐसे उतारने लगे हैं। और फिर उतारते उतारते एकदम बंद हो गई, देखो अब एक बूंद भी नहीं है। और एकदम से फिर इतनी तेज आती है, ऐसा लग रहा कि जैसे पता नहीं क्या कोई फुहारा लेके खड़ा है। और ये देखो मैंने ये कपड़े उतार के रखे हैं और ये करें, और अभी एक बूंद भी पानी नहीं है, बारिश नहीं है, बताओ। और अभी आएगी ना, मैं फिर एकदम से दिखाऊंगी, एकदम से झोंका आता है, इतनी तेज वाला झोंका आता है कि उठाए ही नहीं जा रहे कपड़े। ये देखो फिर बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, इतने में सब जाने कपड़े अपने डालने लगते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है एकदम से। आज खेल हो रहा है। तो अब हो गई है शाम और
ये हम पी रहे हैं चाय। चाय पी रहे। कैसा रहा मौसम? बढ़िया। और देखो सिस्टी, देखो तुम तकिया, दुनिया तकिया सर के नीचे रखती है, तकिया मुंह पे रख के सोती है। ये बेटा देख लो, मैंने बोला चलो सो रही है, आज सुबह जल्दी उठी थी, 7 बजे स्कूल पहुंचना था इसे, तो चाय मैं ही बना लेती हूँ, पी रही हूँ, क्या नाम है, पी कह रही हूँ, सो रही है, चाय मैं ही बना लेती हूँ। कांजी बड़ा इतने टेस्टी है, सही में कांजी बड़ा बहुत टेस्टी है, पानी है ना वो लाजवाब है, एक कटोरी भर के पानी पिया। सिस्टी नहीं खाती ये चीज़ें, उसको पता ही नहीं क्या होती है। बहुत बढ़िया, मैं तो दुकान पे अगर मेरे को मिल जाता कांजी बड़ा मैं यही खाता हूँ। सस्सी बहन है ना हमारी, उसको कांजी बड़ा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है वो, तो वो भी डाल लेती थी, काली गाजर होती है ना उसको, वो होली के टाइम डलती है। चलो हम सिस्टी को उठा रहे हैं, सिस्टी सो रही है, यूनि के उड़ जाए। चलिए गाइस, हो रही है शाम और अभी मैं सो के उठ के, नहीं सो के तो मैं आधा घंटे पहले सो के उठी हूँ, पूजा करके मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है, तो अभी मैंने मंगाई है शाम के लिए टिक्की, जो कि आज मैं इसका भोग लगाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी, तो अभी अभी पूजा करिए, बस अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ। लगा रही है भोग और टिक्की मंगाई है इसने, कल कह रही थी मुझे कांजी बड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए। कल पापा ने और मम्मी के लिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्च थी और वैसे मुझे पसंद। ठीक है सैम, दिखाती रुको, एक ये हमारा गैस के जो गैस गीजर है ना, उसकी सेल वीक हो गए थे, तो अभी चेंज सही है। बड़ी परेशानी होती सुबह बेचारी, 7 बजे ठंडे पानी खत्म के खाना, ठंडे पानी से नहा के जा रही है, सही चल रहा है, ठीक है बढ़िया। और क्या, सुबह सुबह अब ठंड सा होने लगा है ना, तो गर्म पानी तो चाहिए ही चाहिए। सही है, बंद कर दो। और उसको बुलाती ना, उसको बुलाती वो 250 रुपये ले जाता। नहीं सेल कितने के हैं, सेल कितने के हैं? 60 रुपये की सैल थे और 250 रुपये ले जाता है वो, कहता है इतने ही लगते हैं। फेंक दो अब सील, सैल फेंक दो, ठीक है ना, आ जाओ टिक्की खा लो, ये देखो ये मैं नहीं खाऊंगी, तू खा ले टिक्की खाओ। चलो 3 दिन से चाट पे चाट आया जा रहा है। पहले दिन क्या आया था? दही बल्ले, कांजी बड़े, टिक्की आएगी, खा लो थोड़ा सा, अब इसका 16 साल वाला इंजेक्शन लगेगा, फिर सारी इसकी डोज पूरी। अब मैंने कहा इसको कल छुट्टी कर ले, तो कह रही है नहीं कल नहीं कर लगवाऊँ, मैंने कहा फ्राइडे को लगता है और एक साल पड़ा भी। नहीं नहीं जो हो जाए, नहीं हो जाए वो लग जाना चाहिए, तो कह रही बुधवार को लगवाऊँगी, मैं नहीं खा रही, खा लूँगी हल्की सी, एक आध बैठ कैसे बने। चलो स्वादिष्ट, हाँ टिक्की बहुत सालों, हम लोग बहुत कम ही चाट वाट ना खाते हैं, तो फिर लगातार खाते हैं, नहीं तो हमें सालों हो जाते हैं। हम गोलगप्पे भी कभी, हाँ गोलगप्पे भी हम बहुत कम, जब कभी हाँ दिवाली भी मार्केट करने जाते तब खाते। मैं ज़्यादातर पहले गोलगप्पे जो बेच रहा होता है ना उसके हाथ देखती हूँ, अगर उसने ग्लव्स पहने हैं तो खाती हूँ, अगर नहीं पहने होते ना मुझे उनके नाखून वाखून जो पानी में भीगे होते हैं वो मेरे को बड़े गंदे लगते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। पहले तो मैं चेक करती हूँ उनके हाथ, मुझे जब गंदे लगते हैं ना मैं नहीं खाती बिल्कुल भी, चाहे कितने ही साल हो जाए। चलो ठीक है, हाँ ठीक है।
गाइस करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे हर न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको उस पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ।